नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड हिस्ट्री के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। उत्तराखंड हिस्ट्री दोस्तों मैं आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ उससे पहले, और अभी इस सीरीज के माध्यम से आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए जाते हैं जिसके माध्यम से आपको आगामी एग्जाम में फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो साथ साथ आपको उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। अब देखो आज का पहला क्वेश्चन है, श्रीनगर में शामशाही बागान का निर्माण किस परमार शासक ने किया? तो श्रीनगर में जो शामशाही बागान का निर्माण किया है दोस्तों वो किया है श्याम शाह ने। श्याम शाह जो कि पंवार वंश का 45वां शासक था, मान शाह का पुत्र। तो श्याम शाह ने श्रीनगर में शामशाही बागान का निर्माण किया, और इसी श्याम शाह के शासनकाल में श्रीनगर में केशोराय मठ का भी निर्माण होता है। लेकिन केशोराय मठ का निर्माण कौन करता है दोस्तों? महिपत शाह कराता है, और शामशाही बागान का निर्माण किसने किया? श्याम शाह ने कराया। क्वेश्चन नंबर टू है, यहाँ पे किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? अग्निपुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण या नारद पुराण? तो स्कंद पुराण में दोस्तों हरिद्वार को क्या कहा गया है? मायापुरी कहा गया है, जबकि स्कंद पुराण में गढ़वाल को कहा गया है केदारखंड, और कुमाऊं को कहा गया है मानसखंड। जबकि इसी स्कंद पुराण में हरिद्वार को क्या कहा गया है? मायापुरी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, यहाँ पे छागलेश राजवंश की पुष्टि किस शिलालेख से मिलती है? तो जो छागलेश राजवंश है उसकी पुष्टि होती है लाखामंडल शिलालेख से, और ये लाखामंडल शिलालेख कहाँ है? ये है आपका देहरादून में। साथ साथ जो राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है वो भी कहाँ मिला है दोस्तों? लाखामंडल में ही मिला है। तो राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख ये भी लाखामंडल में प्राप्त हुआ है। छागलेश राजवंश की पुष्टि किस शिलालेख से मिलती है? तो लाखामंडल शिलालेख से मिलती है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर चार है, श्रीनगर में केशोराय मठ का निर्माण किस परमार वंशीय राजा के शासन काल में हुआ था? देखो दोस्तों ये शासन काल पूछ रहा है, तो श्रीनगर में जो केशोराय मठ का निर्माण हुआ वो श्याम शाह के शासन काल में हुआ, जबकि इसका निर्माण किसने कराया? तो निर्माण महिपत शाह ने कराया, लेकिन उस समय शासन किसका था? श्याम शाह का शासन था, क्योंकि जो श्याम शाह का शासन काल है वो 1611 से लेकर 1631 तक था, जबकि केशोराय मठ का निर्माण महिपत शाह ने कब कराया था? 1625 में। तो उस समय राजा कौन था? श्याम शाह था। तो अगर शासन काल पूछा जाता है तब तो श्याम शाह आ जाएगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता था कि श्रीनगर में केशोराय मठ का निर्माण किसने कराया, तब उसका सही आंसर हो जाता था महिपत शाह। क्वेश्चन नंबर पांच है, यहाँ पे गोलू देवता का उद्भव स्थान है? तो जो गोलू देवता का उद्भव स्थान है, ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश या चंपावत। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, और इसका सही आंसर दोस्तों चंपावत, यानी डी। गोलू देवता का उद्भव स्थान कहाँ है? चंपावत में है, और गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है कुमाऊं में। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड है दोस्तों टिहरी में स्थित। वशिष्ठ गुफा हो गया, वशिष्ठ कुंड हो गया, वशिष्ठ आश्रम हो गया, ये कहाँ है आपका? टिहरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, स्वामी राम तीर्थ का आगमन टिहरी में किस नरेश के शासन काल में हुआ? तो स्वामी राम तीर्थ इनका आगमन हुआ था कीर्ति शाह के शासन काल में। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब देखो जो स्वामी राम तीर्थ है इनका जन्म 1873 में हुआ था पंजाब गुजरावाला में। ये टिहरी नरेश कीर्ति शाह के शासन काल में 1902 में आते हैं टिहरी, और कीर्ति शाह ने स्वामी राम तीर्थ को 1902 में जापान में सर्वधर्म सम्मेलन के लिए भाग लेने के लिए भेजा था। किसने भेजा था? कीर्ति शाह ने भेजा था। उसके बाद स्वामी राम तीर्थ 1906 में दीपावली के दिन गणेश प्रयाग में ये जल समाधि ले लेते हैं। तो जो आपका टिहरी डैम है उसका नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ सागर, इन्हीं के नाम पर पड़ा, ठीक है। तो स्वामी राम तीर्थ सागर है टिहरी डैम का नाम, ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन चुका है इस प्रकार से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आठ है, योधेय मुद्राओं में निम्न में से किस देवता का चित्रण मिलता है? तो जो योधेय मुद्राएं थी उनमें मिलता है कार्तिकेय देवता का चित्रण, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। साथ ही साथ जो योधेय मुद्राएं थी इनमें क्या लिखा था? योधेय गणस्य जया। किसमें लिखा गया था? ब्राह्मी में लिखा गया था। ब्राह्मी में योधेय मुद्राओं में क्या लिखा गया था दोस्तों? योधेय गणस्य जया। और साथ साथ इसके अग्रभाग में इनके इष्ट देवता कार्तिकेय का चित्रण भी मिलता है, और पृष्ठभाग पर
एक देवी का चित्रण मिलता है जिसका दाहिना हाथ उठा हुआ था। तो ये आपको काफ़ी डिटेल्स में बताया गया है दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है आजकल उत्तराखंड हिस्ट्री की, उसमें आपको काफ़ी डिटेल्स में बताया जाता है हर चीज़, और साथ ही साथ सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। हिस्ट्री ई बुक आ चुकी है हमारी, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उसमें ये सारे MCQ भी उसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद शासन काल में राजा जिसे जमीन गूंठ या दान देता था उसे क्या कहा जाता था? तो चंद शासन काल में राजा जिस व्यक्ति को विष्णु प्रीति या आप कह सकते हैं दान में जमीन देता था उसे कहते थे थातवान। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, जिसे राजा जमीन देता था। अब देखो जो यहाँ पे अन्य ऑप्शन है, जैसे सिरतान क्या है? तो सिरतान एक प्रकार का टैक्स हुआ करता दोस्तों, नगद टैक्स था सिरतान। थातवान हो गया जिसको राजा विष्णु प्रीतिया दान में जमीन भेंट करता था। सीकदार क्या था? तो सीकदार होता परगने का अधिकारी चंद शासन काल में, परगने का अधिकारी, और सरीदार भी सीकदार को ही कहा जाता था। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए, और ये चारों ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, कालसी अभिलेख की खोज किसने की? तो कालसी अभिलेख की खोज होती है 1860 में, और इसकी खोज कौन करता है? तो जॉन फॉरेस्ट नामक व्यक्ति ने कालसी अभिलेख की खोज की थी। ये कालसी नामक स्थान कहाँ है दोस्तों आपका? यह है आपका देहरादून में। देहरादून में ये कौन कौन सी नदी के संगम स्थल पर स्थित है? तो ये है टोंस और यमुना नदी का यहाँ पे संगम होता है कालसी के निकट में। और आपको बता दें जो ये आपका कालसी अभिलेख है, इससे हमें इस बात की पुष्टि होती है कि उत्तराखंड में कुडिंद शक्तियों ने, कुडिंद शासकों ने शासन किया था, और इस क्षेत्र के लिए कालसी अभिलेख में इस चीज़ को कहा गया है अपरांत, और यहाँ के वासियों को कहा गया है पुलिंद। और ये कालसी अभिलेख किसका था? तो ये था अशोक का। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे ज्यूला पैमाइश नामक भू व्यवस्था किसने करवाई? तो जो ज्यूला पैमाइश नामक भू व्यवस्था है ये प्रताप शाह ने कराई। कब कराई थी? 1873 में कराई थी ये भू बंदोबस्त, ज्यूला पैमाइश इसका नाम था। अब देखो इस ज्यूला पैमाइश में क्या क्या था प्रताप शाह ने, इसने अपने राज्य को 22 पट्टियों में विभाजित किया था, और साथ साथ प्रत्येक पट्टी में एक एक करदार नियुक्त किया जो कर लेता था, यानी राजस्व लेने में कोई कठिनाई ना हो, इसलिए इसने प्रत्येक पट्टी में एक एक करदार की नियुक्ति की। तो ज्यूला पैमाइश नामक भू व्यवस्था ये किसने करवाई थी? प्रताप शाह ने कराई थी 1873 में, ये सन भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कनकपाल, अजयपाल, सहजपाल या मानसाह? तो अजयपाल को कहा जाता है दोस्तों गढ़वाल का नेपोलियन। साथ ही साथ अजयपाल की तुलना मौर्य सम्राट अशोक से भी की जाती है। अजयपाल को गढ़वाल का दुर्योधन भी कहा जाता है। गढ़वाल का विस्मार्क ये इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल का विस्मार्क भी किसे कहा जाता है? अजयपाल को ही कहा जाता है। और अजयपाल के बारे में आप सभी जानते होंगे, इसने राजधानी चांदपुरगढ़ से पहले देवलगढ़ स्थानांतरित की, उसके बाद श्रीनगर गढ़वाल इसने राजधानी बनाई थी। और 52 गढ़ों को मिलाकर गढ़वाल की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी अजयपाल ने। यानी गढ़वाल में पहले क्या होते, 52 गढ़ हुआ करते थे, और इन सभी 52 गढ़ों को विजित कर एक छत्र में शासन किया था अजयपाल ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, चंद वंश के संस्थापक सोमचंद का समकालीन डोटी नरेश कौन था? तो चंद वंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद था। और इसका समकालीन डोटी नरेश कौन था दोस्तों? वो था जयदेव मल, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। अब देखो मैंने आपको जब चंद वंश के बारे में बताया, वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि जो चंद वंश के संस्थापक थे सोमचंद था, या जो अन्य राजा थे शुरुआत के चंद वंश में, वो स्वतंत्र शासक नहीं थे, वो डोटी नरेशों के आधिपत्य में शासन करते थे। लेकिन उसके बाद एक शासक होता है भारतीचंद, ये क्या करता है? डोटी अभियान शुरू करता है, और इसके समकालीन जो डोटी नरेश था उसका नाम था यक्षमल। तो यक्षमल के खिलाफ ये संघर्ष करता है, करीब 12 वर्षों तक लगातार ये संघर्ष चलता रहता है। और भारतीचंद ऐसा शासक था जिसने चंद वंश को मुक्ति दिलाई थी किसके आधिपत्य से? डोटी नरेशों के आधिपत्य से। तो भारती चंद के बाद ये स्वतंत्र हो जाते हैं ये सभी शासक, लेकिन उससे पहले ये किसके आधिपत्य में या किसके अधीन रहते हैं? डोटी नरेशों के अधीन। और इसीलिए जो संस्थापक था सोमचंद, वो भी किसके अधीन था? डोटी नरेश जयदेव मल के अधीन था। जयदेव मल का ये सामंत हुआ करते, मतलब शुरुआती जो सोमचंद के शासक थे वो भी सामंत हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, रुद्रचंद के त्रैवणिक धर्म निर्णय सामाजिक व्यवस्था में छयोड़े होते थे। छयोड़े क्या होते? उच्च ब्राह्मण, गुप्तचर, घरों के सेवक या राज्य में
कर वसूलने वाले। तो देखो त्रैवणे के धर्म निर्णय नामक सामाजिक व्यवस्था, मतलब ये जो धर्म निर्णय नामक ये पुस्तक थी ये किसने लिखी थी, रुद्रचंद ने। और ये इसमें इसने सामाजिक व्यवस्था को क्या किया था, सामाजिक व्यवस्था में या कुल मिला के समाज को कई वर्गों में विभाजित किया था, सामाजिक व्यवस्था बनाई थी एक। तो उसमें जो छयोड़े होते थे वो घरों के सेवक होते थे, जो घरों में सेवा करने वाले उन्हें छयोड़े कहा जाता था। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। उच्च ब्राह्मणों की बात की जाए तो उच्च ब्राह्मण इसमें चौथानी हुआ करते थे, चौथानी, चौथानी के नीचे आते थे पंचबिड़िये जिसको तिथानी भी कहा जाता था, और उनके नीचे आते थे हलिय या पितलीय ब्राह्मण। साथ साथ इसी त्रैवणे के धर्म निर्णय नामक ग्रंथ आप इसको कह सकते हैं, इसमें समस्त जनता को क्या कहा गया है, पोड़ी पंद्रह विश्वा, शेष जो भी समस्त जनता थी। और छयोड़े किसे कहा गया है, जो घरों के सेवक हुआ करते थे। अगर हम रुद्रचंद की बात करें, इसके कुछ अन्य प्रमुख ग्रंथ जैसे यथा उषा राव गोदिया, ये इसका एक प्रमुख ग्रंथ था, सैनिक शास्त्रम हो गया, यति चरित्रम हो गया, और त्रैवणिक धर्म धर्म निर्णय, ये सारा आपको बता रखा है जब आपको चंद वंश के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम होगा। देखो यहाँ पे आपको देखना है कि सही कालक्रम किसका है बढ़ते कालक्रम के अनुसार। तो देखो इनमें से सबसे जो पहला शासक था वो था महिपत शाह। महिपत शाह का जो शासनकाल था वो था 1631 से लेकर 1634 तक। उसके बाद पृथ्वीपति शाह 1635 से लेकर 1664 तक। उसके बाद आता है फतेहपति शाह 1664 से लेकर 1716 तक। और उसके बाद ललित शाह। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका थर्ड, फिर आ जाएगा चौथा, और फिर आ जाएगा सेकंड। फर्स्ट थर्ड चौथा और सेकंड, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। महिपत शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह और आपका आ जाएगा ललित शाह, ये सही काल क्रम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, मापतोल हेतु धूली पाथा पैमाना किस राजा ने शुरू किया था। तो धूली पाथा पैमाना ये शुरू किया था अजय पाल ने, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पाथा ये एक मापक होता था और आज भी देखने को मिलता है, इसी से धान अगर किसी को देना होता तो इसी से मापा जाता है, और इसका जो एवरेज माप होता 2 kg के बराबर ये पाथा हुआ करता था। तो धूली पाथा पैमाना, ये पैमाना किसने शुरू किया था, किसके शासनकाल से शुरू हुआ था, अजय पाल के शासनकाल से शुरू हुआ था। साथ ही साथ इसके शासनकाल में सरोला ब्राह्मण प्रथा, ब्राह्मण प्रथा ये भी किसने शुरू की थी, ये भी अजय पाल ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्तिकेयपुर का अंतिम राजा था। तो जो कार्तिकेयपुर का अंतिम राजा था दोस्तों वो था सुभिक्ष राजदेव, क्योंकि इसके बाद किसी कार्तिकेयपुर वंशीय राजा का विवरण प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद कुछ समय बाद सीधे कत्यूरी वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और इतिहासकार कई ये बताते हैं कि कत्यूरी वंश भी कार्तिकेयपुर ही वंश है, लेकिन कई इसके बारे में अलग राय देते हैं कि कत्यूरी वंश बिल्कुल एक अलग वंश है, लेकिन कत्यूरी वंश के बारे में कोई लिखित उल्लेख नहीं मिलता है, उसके मतलब उनके पवाड़ों और जागरों में उनका उल्लेख मिलता है। तो कार्तिकेयपुर राजा, उसका संस्थापक की अगर हम बात करें तो बसंत देव इनका संस्थापक था, बसंत देव। और कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था, वो था सुभिक्ष राजदेव। और ये सुभिक्ष राज ये किस वंश का था, तो क्योंकि कार्तिकेयपुर जो राजवंश था इसके भी कई परिवार थे, तो ये किस परिवार का था, ये था आपका सलोड़ादित्य परिवार का। सलोड़ादित्य परिवार का जो संस्थापक था वो था इच्छरदेव, सलोड़ादित्य का पुत्र इच्छरदेव, उसने स्थापना की थी सलोड़ादित्य वंश की। लेकिन उस वंश का अंतिम शासक या आप कह सकते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम कत्यूर राजा वो था सुभिक्ष राजदेव। ये क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार से एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, गर्वभंजक की उपाधि किसे दी गई है। तो गर्वभंजक और गर्वभंजन दो हैं दोस्तों, तो गर्वभंजक की उपाधि दी गई है माधव सिंह भंडारी को, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जबकि गर्वभंजन, गर्वभंजन की उपाधि दी गई है महिपत शाह को, तो महिपत शाह को कहा जाता है गर्वभंजन, और गर्वभंजक किसे कहा जाता है, माधव सिंह भंडारी को, क्योंकि महिपत शाह का ही सेनापति था दोस्तों माधव सिंह भंडारी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी किस चंद शासक के दीवान थे। तो हर्षदेव जोशी जिसे कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, ये था आपका दीपचंद का दीवान, सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। आप देखो जो हर्षदेव जोशी है इतिहासकार इसके बारे में अलग अलग राय देते हैं। राहुल सांकृत्यान ने हर्षदेव जोशी को कौन सी उपाधि दे रखी है, विभीषण की उपाधि, जबकि प्रमुख इतिहासकार एटकिंसन ने हर्षदेव जोशी को क्या कहा है, स्वार्थी और देशद्रोही।
हरदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसको कुमाऊं का राज्य निर्माता किंग मेकर भी इसको कहा जाता है। तो इसके बारे में ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? गुलेरिया रानी, नेपोलिया रानी, जिया कनक देवी या कोई नहीं? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, गुलेरिया रानी ये कीर्ति शाह की संरक्षिका थी, जबकि जो नेपोलिया रानी थी ये नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी, नरेंद्र शाह, और गुलेरिया रानी हो गई यहाँ पे कीर्ति शाह की संरक्षिका। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, सुदर्शन शाह की रचना है, तो सुदर्शन शाह की यहाँ पे जो रचना है वो है गोरखवाणी, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। साथ ही साथ सुदर्शन शाह की एक अन्य रचना है सभासार नामक ग्रंथ की रचना किसने की, ये भी की थी सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह सूरत कवि के नाम से रचनाएं करता था, गोरखवाणी भी इसकी रचना है। और जो देखो अन्य रचनाएं यहाँ पे सभाभूषण हो गया, विष्णु स्मृति और रामायण दीपिका, ये रचनाएं किसकी है? हरिदत्त शर्मा की, जो कि सुदर्शन शाह का राजकवि हुआ करता था हरिदत्त शर्मा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ज्ञानचंद को गरुड़चंद की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने दी थी? तो ज्ञानचंद को गरुड़चंद की उपाधि दी थी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने, यानी तुगलक वंश से संबंधित था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक देता है ज्ञानचंद को गरुड़चंद की उपाधि, इसलिए इसको ज्ञान गरुड़चंद के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 22 का सही आंसर। ज्ञान गरुड़चंद चंद वंश का ऐसा पहला शासक था दोस्तों जो दिल्ली के सुल्तान के यहाँ नजराना देने गया था। अब बढ़ते हम आगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 आगे, यहाँ पे सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का अधिपति था? तो देखो जब सोमचंद आया था, सोमचंद जो कि संस्थापक है चंद वंश का, तो जब सोमचंद आया यहाँ पे तो उस समय कुमाऊं में किसका अधिपति था, किस नरेश का अधिपति था? वो था ब्रह्मदेव का। अब देखो इसके बारे में इतिहासकारों की अलग अलग धारणाएं हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कत्यूर वंशीय राजा था ब्रह्मदेव, ये अयोग्य शासक था और इसके प्रतिनिधि जाते हैं कन्नौज नरेश के यहाँ, वहां से सोमचंद को लेकर आते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि जब सोमचंद यहाँ पे आया था तो ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री चंपा का विवाह कराया था सोमचंद से, और सोमचंद को चंपावत भूमि दान की थी, और वहां पे सोमचंद ने अपनी राजधानी बनाई थी चंपावत में, और वहां पे राजभुंगा किले की स्थापना भी किसने की, राजभुंगा किले का निर्माण किसने कराया? सोमचंद ने कराया। तो जो चंद वंश का संस्थापक था सोमचंद, और कहाँ से शुरुआत होती है चंद वंश की? चंपावत से शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पांवटा के निकट भंगाणी नामक स्थल पर युद्धगढ़ नरेश फतेह शाह और के मध्य हुआ था, यानी जो भंगाणी नामक युद्ध हुआ था वो फतेह शाह और किसके मध्य हुआ था दोस्तों? देखो भंगाणी का युद्ध हुआ था 1689 में, किस किस के मध्य हुआ था? फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य में, इंपॉर्टेंट युद्ध है सी ऑप्शन, ये आपको नोट करना है, सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1451 के हुडेती ताम्रपत्र में किस चंद शासक के गांव देने का वर्णन मिलता है? तो 1451 का जो हुडेती ताम्रपत्र मिलता है दोस्तों वो मिलता है भारती चंद का, चंद वंश का राजा था भारती चंद, एक योग्य और कुशल शासक था भारती चंद, तो इसका हुडेती ताम्रपत्र मिलता है 1451 का, यहाँ पे इसने चंद शासक ने ये गांव देने का वर्णन इसका मिलता है, इसने डोटी अभियान चलाया था उसमें इसको सफलता मिली थी, साथ ही साथ इसके डोटी अभियान के दौरान एक जाति की उत्पत्ति होती है दोस्तों, उद्भव होता है नायक जाति, नायक जाति या इसको कटवाल जाति के नाम से भी जाना जाता है, जो इसके जब इसने डोटी अभियान चलाया था तो जो वहाँ पे इसकी सेना गई थी उन सेनाओं के वहाँ की महिलाओं के साथ अवैध संबंध हो गए थे, और उन महिलाओं से जो उत्पन्न संतानें हुई उनको क्या कहा गया? नायक जाति कहा गया है या कटवाल जाति की संतानें कहा गया। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन भारती चंद सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक लखनदेव, अनंतपाल, जगतपाल या भक्तिपाल? तो लखनदेव ऐसा शासक है पमार शासक जिसने अपनी मुद्रा, अपनी ताम्र मुद्रा चलाई थी, और लखनदेव की ही मुद्रा, मतलब सबसे पहला ऐसा शासक है लखनदेव जिसकी मुद्रा प्राप्त हुई है, लखनदेव से पहले ऐसा कोई शासक नहीं है परमार वंश में जिसकी ताम्र मुद्रा या मुद्रा प्राप्त हुई हो, तो इसलिए इतिहासकार ये मानते हैं कि लखन वंश पहला शासक है जिसने अपनी मुद्राएं अपनी मुद्रा चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, जहांगीर नामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? देखो तो जहांगीर किसका समकालीन था? श्याम शाह का समकालीन, और जहांगीर ने श्याम शाह को एक हाथी और एक घोड़ा उपहार स्वरूप भेंट किया था।
कब किया था भेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 1621 में। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बन चुका है पहले भी, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए इस प्रकार से लाए जाते हैं कि ताकि आपको समझ में आ सके कि जो आयोग है वो कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए आपको डिटेल्स में और डीप में पढ़ना है। और इसीलिए एक तरफ से आपके लिए डिटेल्स में सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, और एक तरफ से आपके लिए यहाँ पे लगातार एमसीक्यू सीरीज भी हम चला रहे हैं ताकि आपको कहीं से कोई डाउट ना हो, आपके कॉन्सेप्ट लगातार क्लियर होते जाएँ हर जो भी यहाँ पे सीरीज चलती है हर सीरीज के माध्यम से। तो जहांगीर का समकालीन था श्याम शाह, और श्रीनगर में श्याम शाही बागान का निर्माण भी श्याम शाह ने ही कराया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रताप शाह ने प्रताप नगर की स्थापना कब की? तो 1877 में प्रताप शाह ने प्रताप नगर की स्थापना की, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 29 की ओर, टीर रियासत में विसाह प्रथा का संबंध निम्न में से किस से था? देखो टीर रियासत में कुप्रथा थी, विसाह प्रथा, इसका संबंध किससे था? तो इसका हो जाएगा दोस्तों सही आंसर सी ऑप्शन, अन्य रूप में कर पहुंचाना। देखो टीर रियासत में तीन प्रथाएं प्रचलित थी, एक थी खीण, ये बेगार हुआ करती, बेगार देना पड़ता था लोगों को, एक थी पाला यानी दरबार में दूध और घी पहुंचाना, और तीसरी थी विसाह यानी अन्य रूप में कर पहुंचाना था दरबार में। तो ये प्रथाएं किसने समाप्त की? प्रताप शाह ने समाप्त की थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको नोट करना है। ये तीनों प्रथाएं जो भी टीरी रियासत में थी ये किसने समाप्त की थी? टीरी नरेश प्रताप शाह ने, सी ऑप्शन 29 का यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कवि देवराज ने किस परमार शासक की तुलना भीमसेन से की है? तो कवि देवराज ने बलभद्र शाह को कहा है भीमसेन समो बली, यानी भीमसेन के समान बली बलभद्र शाह। और बलभद्र शाह पंवार वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी, और इसके बाद क्योंकि इससे पहले वो पाल हुआ करते, कनकपाल, लखनपाल, अनंतपाल, ये आपने देखा होगा सोनपाल, लेकिन बलभद्र शाह के बाद सभी शासक आपने देखे होंगे शाह की उपाधि उन्होंने धारण की, प्रद्युम्न शाह, महिपत शाह, प्रताप शाह, इस प्रकार से इनके नाम हुए। तो बलभद्र शाह पहला शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 31 है, पिथौरागढ़ स्थित एक हथिया दीवार मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो दोस्तों ये एक हथिया दीवार मंदिर का निर्माण हुआ था बाज बहादुर चंद के शासन काल में, बी ऑप्शन हो जाएगा 31 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया था? दारा सिकोह, सुलेमान सिकोह, मालिक सिकोह, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुलेमान सिकोह को पृथ्वीपति शाह ने श्रीनगर में संरक्षण दिया था। ये सुलेमान सिकोह कौन था? तो ये था दारा सिकोह का पुत्र। देखो शाहजहां के बेटे थे, एक दारा सिकोह था, एक औरंगजेब था, तो औरंगजेब और दारा सिकोह में संघर्ष चलता है राज सिंहासन पर बैठने के लिए। तो औरंगजेब दारा सिकोह की हत्या कर देता है, और उसके बाद औरंगजेब किसके पीछे पड़ जाता है? सुलेमान सिकोह के पीछे, सुलेमान सिकोह की हत्या करने के लिए। तो सुलेमान सिकोह किसकी संरक्षण, किसके संरक्षण में चले जाता है? पृथ्वीपति शाह के संरक्षण में, और श्रीनगर में पृथ्वीपति शाह इसको संरक्षण देता है। लेकिन पृथ्वीपति शाह का बेटा था मेदिनी शाह, और मेदिनी शाह ने देखा इस प्रकार से तो हमारे औरंगजेब के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे, तो मेदिनी शाह सुलेमान सिकोह को किसको लौटा देता है? औरंगजेब को लौटा देता है। तो पृथ्वीपति शाह फिर मेदिनी शाह को क्या कर देता है? अपने राज्य से बाहर निकाल देता है। तो कुल मिला के पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया? सुलेमान सिकोह को, बी ऑप्शन हो जाएगा 32 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पे चंद शासन काल में पंचनविसी का संबंध है। तो पंचनविसी का संबंध था चंद शासन काल में पंचायती कचहरी। देखो चंद शासन काल में तीन प्रकार की कचहरियाँ हुआ करती, एक थी निवाली, यहाँ पे जनता के मामले देखे जाते, एक थी बिष्ठाली कचहरी, और ये निवाली और बिष्ठाली कचहरी की स्थापना किसने की थी? चंद शासक लक्ष्मी चंद ने। निवाली में देखो, निवाली में जनता के मामले देखे जाते, बिष्ठाली में सैनिक मामले देखे जाते थे, जबकि पंचायती कचहरी भी हुआ करती जिसको पंचनविसी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 34 है, परमार वंश का शेरशाह सूरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों परमार वंश का जो शेरशाह सूरी कहा जाता है वो नरेंद्र शाह को कहा जाता है। नरेंद्र शाह के शासनकाल में टीरी गढ़वाल में टीरी रियासत का राजा था नरेंद्र शाह, और टीरी गढ़वाल में सड़कों का प्रसार बढ़ता है, सड़कें बनती हैं इसके शासनकाल में टीरी में, तो इसलिए नरेंद्र शाह को किसकी उपाधि दी गई है? शेरशाह की उपाधि दी गई है। तो परमार वंश का शेरशाह सूरी नरेंद्र शाह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भोटियों व तिब्बतियों पर सिरती कर लगाने वाला चंद शासक। तो ये था दोस्तों बाज बहादुर चंद,
जिसने भोटियों और तिब्बतियों पर सिरती कर लगाया था। 36 यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? तो देखो, बदानगढ़ भी सम्मिलित है 52 गढ़ों में, चांदपुरगढ़ भी सम्मिलित है क्योंकि परमार वंश की जो शुरुआत होती है, स्थापना होती है, वो चांदपुरगढ़ में ही होती है। देवरगढ़ भी है क्योंकि देवरगढ़ में तो देवरगढ़ तो राजधानी बनाई थी अजयपाल ने। बदानगढ़ भी ठीक है, तो ये तीनों गढ़ तो ठीक है, यानी धोनीगढ़ यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। और आपको बता दें, गढ़वाल में जो 52 गढ़ हुआ करते थे, ये 52 गढ़ों को किसने जीता था? परमार वंश के शासक अजयपाल ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। किस परमार वंश शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो 9 रत्न अकबर की भांति जिस प्रकार अकबर के दरबार में थे 9 रत्न, उसी प्रकार परमार वंश के शासक फतेहपति शाह के दरबार में दोस्तों कितने रत्न थे? 9 रत्न हुआ करते थे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 37 का सही आंसर। कौन कौन थे वो 9 रत्न, इसके बारे में आपको जब परमार वंश के बारे में जो सीरीज चला रहे हैं हम आजकल, उसमें काफ़ी डिटेल्स में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है देवी चंद को। साथ ही साथ कुमाऊं का विक्रमादित्य भी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो देवी चंद को ही कहा जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा 38 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, अजयपाल का समकालीन वह चंद शासक जिसने अजयपाल के राज्य पर आक्रमण किया था? तो देखो, अजयपाल के राज्य पर आक्रमण किसने किया था? वो किया था कीर्ति चंद ने। और आपको बता दें, अजयपाल को हराया था कीर्ति चंद ने, और उसी के बाद फिर अजयपाल ने 52 गढ़ों को विजित किया था। कीर्ति चंद किसका समकालीन था? गढ़वाल शासक अजयपाल का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुगल शाहजादा दारा सिको के पुत्र सुलेमान सिको को किस पंवार शासक ने आश्रय दिया था? तो इसका हो जाएगा दोस्तों सही आंसर बी ऑप्शन, पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिको को क्या दिया था? आश्रय दिया था।